जिन जिन लोगों ने लॉकअप शो को फॉलो किया है उन्हें काफ़ी अच्छे से पता है कि मुनव्वर एंड पायल की कभी भी शो में नहीं बनी है। दोनों के रियल लाइफ में भी पॉलिटिकल थॉट्स काफ़ी ज़्यादा अलग है और रियलिटी शो के अंदर भी दोनों के बीच जो रियल फाइट्स थी वो हमें हमेशा देखने मिलती थी। और अब मुनव्वर फारूकी ने अपनी चुप्पी पायल को लेकर तोड़ी है और एक बड़ी बात कह दी है उनके बिहेवियर पैटर्न की वजह से किस तरीके से लोग जो है उनसे दूर होते हैं या फिर उनकी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें चेंज करनी चाहिए और चेंज नहीं करने की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुनव्वर पायल को लेकर अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में, आइए बताते हैं आपको। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिकवल। मुनव्वर फारूकी ने एक रीसेंट इंटरव्यू दिया है जिसका एक पोर्शन फिलहाल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पे उन्होंने जो है पायल रोहतगी के लिए कुछ कहा है जो फिलहाल सोशल मीडिया पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा शॉक कर रहा है। अपने मिस्टेक्स को किस तरीके से वो एक्सेप्ट नहीं करती, इस बारे में मुनव्वर ने बड़ी बात कही है। तो आपको बताते हैं कि मुनव्वर क्या कहते हैं। उनके इंटरव्यू में वो कहते हुए नज़र आए कि पायल की ऐसी एक बात है कि वो कभी भी अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करती और बिल्कुल भी सही नहीं है दूसरे लोगों के लिए इस तरीके से गुजरना, क्योंकि वो भले ही उसके लिए अच्छा हो और उसके पास एक पावर हो लोगों को कन्विंस करने के लिए कि वो कितनी राइट है, और वो लोगों को इस हद तक कन्विंस करने की अपनी कोशिश करेगी कि सामने वाला पर्सन फाइनली गिव अप कर देगा और ये बोलेगा कि हाँ ठीक है तुम सही हो, एंड लोगों को मतलब मजबूरन ऐसा कहना पड़ेगा कि यू नो हाँ हाँ ठीक है तुम सही हो। और यही एक ऐसी हैबिट है पायल की जो उसे चेंज करनी चाहिए, जो उसकी हैबिट काफ़ी ज़्यादा गलत है मिस्टेक्स को ना एक्सेप्ट करना। इस तरीके से मुनव्वर अपने रीसेंट इंटरव्यू में पायल के लिए कहते हुए नजर आए। क्या पायल इसके ऊपर कोई जवाब देगी या पायल अपनी छुपी बनाए रखेगी? क्या इन दोनों का जो लॉकअप में वार और पलटवार होता था, क्या अब हमें फिर एक बार लॉकअप के बाद बाहर दिखाई देगा? क्या इसके ऊपर कोई टिप्पणी आएगी पायल की ओर से? क्या है आपको कहना इसके ऊपर, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड पायल का कोई जवाब आता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जैसे कोई अपडेट्स आते हैं आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्या आप टीम पायल हो या टीम मुनव्वर। आई सी यू सून।